ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। सदस्यों और वित्तीय लेनदेन की मात्रा के मामले में यह विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आइए आज हम आपको बताएंगे उमंग ऐप के द्वारा कैसे आप अपने प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पासबुक देख सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जो पूरी प्रोसेस है उसको हम यहाँ शुरू से लेके आखिरी तक बताएंगे। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल अनलॉक टेक पर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उमंग एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हमने कल एक वीडियो बनाया था। हम उमंग एप्लीकेशन के ऊपर एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हर दिन एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे आज का वीडियो है कर्मचारी भविष्य निधि के ऊपर, ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर आएंगे। कैसे आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे उमंग एप्लीकेशन के ऊपर। उमंग एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, ये इसका लैंडिंग पेज है। इसके बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है मैं उसका आपको जो है आई लिंक पे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। हम ईपीएफओ पर जाएंगे, ये आपको ईपीएफओ दिख रहा होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इस विभाग के अंदर आता है। यहाँ आपको काफ़ी सारे बटन्स दिख रहे हैं, जैसे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एडवांस फॉर्म 10C, यू पासबुक, रेस क्लेम, ट्रैक क्लेम, UAN एक्टिवेशन, UAN अलॉटमेंट। आप यहां से पासबुक देख सकते हैं, आप ई KYC करा सकते हैं आधार कार्ड के माध्यम से। आप यहां पर जनरल सर्विसेज देख सकते हैं, इन्हें हम आगे चल के देखेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी कोई समस्या है तो यहां पर एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहां पर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले मैं आपको ईपीएफओ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। कोई भी सेवारत व्यक्ति सेवानिवृत्त उपरांत के जीवन को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ यानी सहायक होते हैं। अधिकतर कर्मचारियों के लिए ये अनैच्छिक बचत होती है, किंतु सेवानिवृत्त हो जाने पर या असामयिक मृत्यु हो जाने पर अपंगता आ जाने की स्थिति में कर्मचारी और उसके परिवार के लिए ये अत्यंत लाभदायक होते हैं। इसकी बाकी जानकारी आप सभी जो है हमारे इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं। आइए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें हमारा UAN नंबर डालना पड़ेगा, जिसे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोलते हैं। हम यहाँ UAN नंबर डालेंगे। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक संबंधित OTP आएगा। OTP यहां पर डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये सबमिट हो गया है, OTP आपका वैलिडेट हो गया है। यहां पर जो है ये सारे फंक्शंस ऑन हो गए हैं। सबसे पहले हम जाएंगे रिक्वेस्ट फॉर एडवांस पर। यहां पर देखेंगे COVID-19 के लिए जो मुहिम चलाई गई है, आप देख सकते हैं यहां पर ये हमारी अकाउंट डिटेल्स आ गई हैं। यहां पर UAN नंबर, एम्प्लॉय का नेम, फादर या हस्बैंड का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नीचे आप आधार नंबर देख सकते हैं, पैन कार्ड नंबर देख सकते हैं। यहाँ आप बैंक अकाउंट डालकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप IFSC कोड बैंक का ऑलरेडी आता है और यहाँ पर आपके बैंक का नेम और एड्रेस लिखा हुआ है। हम पीछे आएंगे। इसके बाद आप फॉर्म 10C देख सकते हैं। इससे पहले हम आपको फॉर्म बता देते हैं यहाँ कौन सा फॉर्म क्या काम करता है। फॉर्म 10C जो है पेंशन विड्रॉवल्स बेनिफिट्स होते हैं। An employee can withdraw the contribution made towards employee's pension scheme on leaving service before becoming eligible for member pensions. ये 10C होता है। Form 19 जिसमें हम PF का final settlement करते हैं। Form 31 जिसमें हम PF का कुछ हिस्सा withdrawal करते हैं। Form 15G
अगर आपका जो है TDS कटता है तो आप TDS ना कटे, उसके लिए हम फॉर्म 15G को भरते हैं, और फॉर्म 15H जो होता है ये सीनियर सिटीजन्स के TDS को बचाने के लिए होता है। नेक्स्ट आप पासबुक देख सकते हैं, व्यू पासबुक, यहाँ से आप पासबुक पर क्लिक करेंगे, ऊपर वेलकम ये देख सकते हैं। व्यू पासबुक पर जाने के बाद हमारी पासबुक ओपन होगी, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये एस्टैब्लिशमेंट नंबर, यहाँ पर मेंबर आईडी, नेम डिटेल, आपके ऑफिस का नेम, एम्प्लॉय का शेयर आता है यहाँ, एम्प्लॉयर का शेयर आता है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, ये अपडेटेड डेट्स हमारी आती हैं, कौन से दिन क्या होने वाला है, ये सभी कैलकुलेशंस नीचे आप टोटल देख सकते हैं, और आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स प्लीज़ डाउनलोड द पासबुक, आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डाउनलोड होकर हमारी जो है पासबुक यहाँ पर शो हो गई। हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप जो है रेस क्लेम देख सकते हैं। आप रेस क्लेम, आपने अगर कोई क्लेम किया हुआ है आज से पहले, तो वहाँ पर आप यहाँ जो है अपना मोबाइल नंबर के साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप अपने क्लेम को भी देख सकते हैं, आप क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है देखिए, रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल अगेंस्ट दिस UN नंबर, मतलब हमने अभी तक किसी भी क्लेम को यहाँ पर नहीं किया है। आप UN नंबर एक्टिवेशन कर सकते हैं, अलॉटमेंट कर सकते हैं, ये सभी आपको जो है आप जहाँ पर सेवारत हैं वहाँ से आपको UN नंबर मिल जाता है। आगे आप देख सकते हैं सर्च एस्टैब्लिशमेंट, ये कुछ जनरल सर्विसेज हैं, यहाँ से आप अपने एस्टैब्लिशमेंट का नेम वाया कोड, वाया नेम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के साथ देख सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं EPFO ऑफिस को सर्च कर सकते हैं, जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश पर जाएंगे, मध्य प्रदेश के बाद हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ भोपाल सेलेक्ट कर लिया है, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये एड्रेसेस आ गए हैं, ये जबलपुर का एड्रेस आ गया है, यहाँ यहाँ इंदौर का एड्रेस आ गया है, सागर का एड्रेस आ गया है, उज्जैन का एड्रेस आ गया है, ग्वालियर का एड्रेस आ गया है, नीचे ये भोपाल का एड्रेस आ गया है। ये मध्य प्रदेश में 5 जो यहाँ पर ऑफिसेस हैं इसके, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, इंदौर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से आप इनके फ़ोन नंबर, इनके ईमेल एड्रेसेस को आसानी से निकाल सकते हैं। आगे आप अपने अकाउंट की डिटेल को SMS पर भी ले सकते हैं, काफ़ी आसान है ये प्रोसेस। आपको SMS करना है, आपको लिखना है EPFOHO UAN, और यहाँ पर टेलीफोन नंबर, इस नंबर पर आपको जो है मैसेज को सेंड करना है, आपको पूरी डिटेल आपके नंबर पर मिल जाएगी। आपको लैंग्वेज लिखने के लिए आप जिस भी रीजनल भाषा में मंगाना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप हिंदी में मंगाना चाहते हैं तो आप HIN लिखेंगे, पंजाबी में मंगाना चाहते हैं तो आप PUN लिखेंगे। इसी तरीके से आपको और भी हमारी ये भाषाएं मिल रही हैं, इन भाषाओं के साथ आप अपनी जानकारी को मंगा सकते हैं। आप मिस्ड कॉल देने के बाद भी अकाउंट डिटेल्स को मंगा सकते हैं। देखिए, मेंबर्स रजिस्टर्ड ऑन द UN पोर्टल मे गेट देयर डिटेल्स अवेलेबल विद EPFO बाय गिविंग अ मिस्ड कॉल। आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल देंगे तो आपको जो है आपके EPFO की पूरी जानकारी वहाँ भी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप जो है आगे अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं, कोई शिकायत संबंधी आपकी समस्या है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा उमंग एप्लीकेशन में EPFO को बनाया गया है, पूरा पैनल रेडी किया गया है, जिसमें आप आसानी से जो है यहां पर अपने PF को विड्रॉ कर सकते हैं, अपने प्रोविडेंट फंड की पूरी जानकारी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।